हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। तो कहानी का शीर्षक है शिकंजी का स्वाद। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे, उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने कैबिन में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ, समझ नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे, उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा, तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया, फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ ग्लास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से ग्लास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे स्वभाव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते, वे बुरे स्वभाव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे स्वभावों को भुलाने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद कर दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं न कहीं अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका उसे सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।